नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब न्यूज अड्डा में। तो दोस्तों कैसे हो, कल का गैप रहा था, कल छुट्टी थी और आज फिर से वैकेंसी डिटेल के साथ हाजिर है। और ये वैकेंसी अनाउंस हुई है हरियाणा में और हरियाणा का जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा ये वैकेंसियां दोस्तों अनाउंस की गई है। और इन वैकेंसीज के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इनके डिपो में जा करके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। बट गाइस यहां पे ध्यान रखिए, आपको जो टाइम दिया गया है बहुत ही कम, यानी कि 1 वीक का टाइम ही आपके पास रहेगा। इतने में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हो तो फिर फॉर्म आपका जो है वहां पे सबमिट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, क्या पोस्टें निकली है, क्या इनके रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी, सारी की सारी डिटेल चेक करवाने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधा इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों ये है इनका नोटिफिकेशन, ये वैकेंसियां जो है ये अनाउंस की है हरियाणा के केथल का जो परिवहन विभाग है उसने, ठीक है। उसके लिए इन्होंने विज्ञप्ति दिया, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आपकी सैलरी, आपको जो छूट मिलेगी वो अधिनियम 1961 के तहत दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट गाइज टोटल 10 तरह की अनाउंस हुई है, यहाँ से आप अपने जो है वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हो। मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, बैटरी रिपेयर वाले, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सारे वैकेंसियां यहाँ से अनाउंस हुई है। और टोटल वैकेंसी की गाइस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 38 यानी कि 38 वैकेंसियां अनाउंस हुई है। अब बात आ जाती है गाइस इनके रजिस्ट्रेशन की, तो जो भी विद्यार्थी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले जाकर के अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आपके रजिस्ट्रेशन परसों से यानी कि 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 5 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा, उसके बाद ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। और गाइस जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, उम्मीदवार के द्वारा कार्यालय प्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन केथल में अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की जो है फोटो प्रति यानी कि फोटो कॉपी जमा भी करवानी होगी। तो ये एड्रेस है जहां पे आपको अपनी ये फोटो कॉपियां जो है डॉक्यूमेंट की जमा करवा देनी है, ठीक है। और गाइज अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं बट फोटो कॉपी अपने डॉक्यूमेंट की नहीं जमा करवाते हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है लाइसेंस वगैरह की, तो फिर यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये इनकी क्लोजिंग डेट है। और गाइज फिलहाल इन्होंने इतना ही नोटिफिकेशन में दिया है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल मांगे जाए, तो वो सब आप जब रजिस्ट्रेशन करो तो चेक कर लीजिएगा, या फिर इनके जो केथल की वेबसाइट जो होगी परिवहन विभाग की, ठीक है, आप उस पे जाकर के एक बार विजिट कर लीजिएगा, सारी डिटेल वहां से भी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।